आदेश माँ भगवती को अलग आदेश वाले को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश धन प्राप्ति का जैसे ही मन में विचार आता है तो पहली साधना या सिद्धि जो समझ में आती है वो भगवती लक्ष्मी की है लेकिन जब आप तांत्रोक्तर विषयों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कलयुग में एक आम जनमानस को एक आम व्यक्ति को महालक्ष्मी जैसी उच्च कोटि देवी उनका साधना संपन्न करना सिद्धि प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं है कलयुग के हिसाब से गौरा ने भगवती पार्वती ने एक पूरा विधान बताया है ये विधान है कि जो बहुत उच्च कोटि की साधना नहीं कर सकते हैं वो कैसे अनंत धन की प्राप्ति करेंगे उस साधना का पहला भाग और जब उस साधना को कर लेते हैं उसके बाद भी यही भाग जैसे आप जब दुर्गा सप्शती शुरू करते हैं तो जो क्रम आप फॉलो करते हैं दुर्गा सप्शती को अंत करने के बाद तेरह पढ़ने के बाद पुनः वही चीज को आपको पढ़ना पड़ता है जो आपने शुरुआत में पढ़ा हो उसी प्रकार से ये जो प्रयोग है जिसको घोर दरिद्रता विनाशक प्रयोग भी कहते हैं मूल साधना का नाम है धनदेश्वरी यक्षिणी साधना जिसको धनेश्वरी यक्षिणी भी हम लोग बोलते हैं ठीक है तो इस साधना को करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है और अगर आप पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो कर सकते हैं तो ये शुरुआती जो प्रोसीजर है ये मैं आपको आज बताऊंगा इसको भी फॉलो करेंगे तो आप लोगों को भगवान कुबेर की कृपा से अनंत धन की प्राप्ति होगी कुबेर यानी रावण का भाई कुबेर यानी महादेव का मित्र कुबेर यानी जिसकी पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं कुबेर की पूजा करने से जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो भगवती प्रसन्न होती है जब भगवती प्रसन्न होती है तो महामाया प्रसन्न होती है और जब महामाया प्रसन्न होती है तो धन की वर्षा होती है ठीक है तो ये जो धंधा यक्षिणी की जो साधना है इसको करने से पहले कुबेर की साधना करनी होती है और इस साधना को करने के बाद भी कुबेर की साधना करनी होती है ये विधान भगवती गौरा ने महादेव के सामने कुबेर को बताया था और कुबेर का कार्य ये था कि इसको जन जन तक पहुंचाए ठीक है बताया था भगवती गौरा ने लेकिन मुख ब्रह्मदेव का था ठीक है ये बड़ा रोमांच का विषय है कभी कथा मैं आपको बताऊंगा अभी मैं आपको इसके आगे का विषय बताता हूँ कि आपको अगर ये साधना करनी है तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक शिव परिवार की तस्वीर ये तांत्रोक्तर विधि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपके ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या फिर भगवती की एक मूर्ति अगर भगवती की मूर्ति आपके घर में स्थापित है तो उसी के सामने साधना करेंगे ठीक है उस मूर्ति के सामने हम रखेंगे एक प्लेट पीतल या तांबे का और उसके ऊपर हल्दी से एक गोलाकार वृत्त बनाएंगे ठीक है इस वृत्त को ही हम यंत्र के रूप में पूजन करेंगे तो जैसे जब लाल फूल अर्पण करना है भगवती को तो हम इसी पर करेंगे हमें इत्र गुलाब इत्र अर्पण करना है हम इसी फूल पर करेंगे हमें धूप दिखाना है गूगल का हम इसी पुष्प को दिखाएंगे हमें दीप दिखाना है घी का हम इसी पुष्प को दिखाएंगे ठीक है और पुष्प तो पुष्प है ही तो पंच पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगा ठीक है तो सामग्री लगभग मैंने आपको बता दी कि एक प्लेट है उसमें हल्दी का एक वृत्त यंत्र बना उसपे एक पुष्प है पंच पूजा का सामग्री में लाल फूल लगा ठीक है जो भी आपके घर में पूजा का दिशा होगा उसी दिशा में इसका पूजा होगा जहां भी आपका पूजा स्थित है वहीं पर होगा अलग से इस साधना को आप नहीं करेंगे अब देखिए इसमें प्रसाद तय है क्या है इसका प्रसाद इसका प्रसाद है खीर आपको गुड़ में दूध और घी में खीर बनाकर देना होगा भगवती को भोग में पूरा जो गिनती है आपको बारह हजार जाप करना होगा जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा इसमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि जब तक आप जैसे आपने आज संकल्प लिया कि मैं बारह हज़ार जाप इस दरिद्रता नाशक मंत्र का करूंगा तो जितनी रातों में आप इसको कंप्लीट करेंगे उतने दिनों तक आप सिर्फ दूध चावल या मीठा खा सकते हैं नमक नहीं खा सकते लहसुन प्याज नहीं खा सकते मांसाहार नहीं कर सकते ठीक है तो पूजन शुरू कैसे करेंगे सबसे पहले भगवती का जो भी तस्वीर है या विग्रह है आपको उसका पूजन कर लेंगे उसके सामने थाल रखेंगे उसमें एक वृत्त बनाएंगे वृत्त के बीच में एक छोटा सा डॉट बनाएंगे उसके ऊपर पुष्प को रखेंगे और मानेंगे कि भगवती की स्थापना हमने यहीं पे कर दी है ठीक है उसके बाद उनको इत्र से स्नान करवाएंगे उसका शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे दीपक दिखाएंगे जो उनके बाय में रहेगा और धूप दिखाएंगे जो उस पुष्प के दाए दाहिने में रहेगा ठीक है खीर का भोग देंगे पहला मंत्र जो हम करेंगे क्योंकि भग भगवती को कामदेव बहुत प्रिय है ठीक है तो कामना पूर्ति के लिए ऐसे भी आप संकल्प लेंगे कि हमारा धन हमारे पास आए हमें कर्ज की मुक्ति मिले तो कामदेव का मंत्र ओम क्रिम कामदेवाय नमः इसका हम एक सौ आठ बार जाप करेंगे रोज़ अगर एक दिन में बारह हजार पूरा कर लिया तब तो, तो बहुत अच्छी बात है अगर एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो जितनी रात आप बैठेंगे पहला जो जाप होगा वो कामदेव का होगा ओम क्रिम कामदेवाय नम ठीक है इसको करने के बाद बारह हजार जाप आप करेंगे ओम यक्षाय कुबेराय धन धान्याधिपत धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा दाप धन्दान्या स्वाहा ओम यक्षाय कुबेराय धन धान्याधिपत धन धान्य समृद्धि मे देहही दाप्य स्वाहा ओम यक्षाय कुबेराय धन धान्याधिपत धन धान्य समृद्धि मे देहि दाप्य स्वाहा ठीक है जब बारह हजार आप इसका कर लेंगे तो इसका दशांश जो है फिर आपको हवन करना होगा हवन आम की संविधा पे करेंगे गांठ वाला नहीं होगा जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसमें आपको करना है जाप कैसे हवन के किस सामग्री को मिला करके दो सामग्री रहेगी ठीक है जो ई खाता है ना शुगर केन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे उसको घी में मिला देंगे ठीक है घी में भिका लेंगे और उससे ही दशांश हवन करेंगे दशांश हवन करने के बाद आपका जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा अगला जब मैं वीडियो बताऊंगा तो इसके आगे का विधान बताऊंगा जिसमें धंधा यक्षिणी की साधना बताऊंगा। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता नहीं है और आपका काम इसमें ही चल रहा है तो रोज़ 21 बार 27 बार चौवन बार या 108 बार इस क्रम में इस मंत्र का जाप करेंगे उम्मीद है कि जो भी बारह जाप पूरा कर लेगा उसको इसके आगे का जो विधान है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मंत्र बहुत लोगों ने प्रयोग किया है और ये काफ़ी लाभकारी बहुत लोगों को बहुत कम समय में बहुत धन दिलाने वाला मंत्र है तो आप सब भी इस मंत्र को करें और लाभ पाए आज के लिए इतना ही जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरा नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसमें हम साधना का शुरुआती विधान बताते हैं जिसमें यंत्र मंत्र तंत्र बंधन आसन बंधन दिशा बंधन भैरव जी की पूजा हवन ये सब सिखाते हैं हमारा लिखा हुआ लेख और आने वाला कार्यक्रम को जानने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोतंत्र डॉट कॉम पर जाइए डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए रुद्रनाथ एट सी एम फोर मेरा प्रोफाइल में लिखा या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आज के लिए इतना ही भगवान कुबेर और रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पे अनंत कृपा बरसाएं से मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश